कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम कुछ मीठा बनाते हैं। आज बनाएंगे हम पाइनएप्पल का शीरा यानी हलवा। तो उसके लिए मैंने आधा कप पाइनएप्पल के पीसेस कट करके लिए हैं और आधा कप लिया है मैंने पाइनएप्पल की प्यूरी, उसे मिक्सी में पीस के लिया है और छान के भी लिया है। तो चलिए बनाते हैं हम। तो पैन में हम डालेंगे 1/4 कप घी और डालेंगे हम 1/2 कप सूजी, उसे अच्छे से भून लेंगे। तो सूजी हमारे अच्छे से भून चुकी है, हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भूनना है। मीडियम गैस पे मैंने इसे भून लिया है। अब इसे करूंगी मैं साइड। अब कढ़ाई में डालूंगी मैं जो हमने प्यूरी बना ली थी वो, उसी में ही हम डालेंगे चीनी। 1/2 कप चीनी ली है मैंने मीठा आपके पसंद से, और उसी के साथ में ये पाइनएप्पल के टुकड़े सभी को मैं डाल के अच्छे से गरम कर लेती हूँ। इसी में हम 1 कप पानी डाल देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे। ये पाइनएप्पल सॉफ्ट हो जाएगा। शुगर सिरप में अच्छे से पाइनएप्पल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इलायची का पाउडर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू और बादाम, इसे मिक्स करेंगे कि हमने जो सूजी भून ली थी वो। इसे मिक्स करेंगे और सूजी फूलने तक इसे पकाएंगे। व्यास हमारा हमें बारीकी चाहिए। हमारा हलवा हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। अगर आपको और भी कलर चाहिए हो तो आप थोड़ा सा कलर उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं कलर नहीं डालने वाली क्योंकि इसका इतना अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। तो हलवा हमारा हो चुका है। उसमें थोड़ा सा उस पर डालेंगे घी। ऊपर से घी हलवे में बहुत ही अच्छा लगता है। और डालेंगे कुछ काजू बादाम के टुकड़े। कलर अच्छा लगता है इसलिए मैं टूटी फूटी डाल रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। तो हो गया है हमारा हलवा तैयार। बहुत ही टेस्टी बनता है। बीच बीच में जो हमने पाइनएप्पल के टुकड़े डाले हैं वो दाग के नीचे आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो शुगर सिरप में अच्छे से पके हुए होते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे दूसरे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।